Very good morning, students. How are you all? I'm your class teacher, and today I'm going to teach you science of class UKG. तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि साइंस क्या होता है. साइंस का मतलब होता है विज्ञान. विज्ञान का मतलब अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज, अलग अलग विषय का ज्ञान. इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं. इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, हम दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं, हम अपने खुद के बारे में पढ़ते हैं. तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं साइंस में, मतलब विज्ञान में. सो आई एम गोइंग टू ओपन पेज नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर बुक ऑफ साइंस. ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, वी जस्ट स्टार्ट टू रीड. दिस इज यूनिट 1, द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स नीड. द ह्यूमन बॉडी का मतलब होता है इंसान का शरीर, आपका शरीर, मेरा शरीर. शरीर क्या होता है? शरीर जो है वो हमारी आउटर बॉडी है, जिसमें जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो हमें दिखते हैं. हेयर, नोज, लिप्स, टंग, ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं. तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे. ठीक है, अब दिस इज़ वेरी सिंपल वे कि अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं तब भी आप अपने आप को देख के ये पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं. लेकिन जो है मैं आपको ये बताऊंगी इस बुक के माध्यम से, बुक के मीडियम से, है ना. सबसे पहले एज यू कैन सी दैट इट इज़ रिटन ओवर हियर, सी द गिवन पिक्चर. एक पिक्चर बनी हुई है जिसको कि हमें देखना है. दिस पिक्चर इज ऑफ अ बॉय, ये एक लड़के की पिक्चर बनी है. अब यहाँ पे क्या है, इसका बॉडीज की यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और ये अलग अलग इनके बॉडी पार्ट्स हैं हम जिसके बारे में जानेंगे, है ना. तो सबसे पहले तो जो हमारे हेड पे ये जो पार्ट होता है, ये बाल होते हैं, इनको हम कहते हैं हेयर. तो दिस इज कॉल्ड हेयर, HAIR, हेयर. जब हम इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, माथा कहते हैं इसको. और ये क्या होता है, हेड, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं हेड, HEAD, हेड. इसके बाद में दुनिया हम जिस बॉडी पार्ट से देखते हैं वो क्या है, आई से देखते हैं हम. नोज से तो देखते नहीं हैं, आईज से देखते हैं. तो ये क्या है, दीज आर अवर आईज. एवरी वन हैज़ टू आईज, दो आँखें होती है ना हमारी. तो वॉट इज दिस, दिस इज आई, EYEI. आगे बढ़ते हैं, जिससे हम स्मेल लेते हैं, खुशबू लेते हैं, हमें पता चलता है कि घर में क्या चीज़ बनी है. अरे खीर की खुशबू है, या फिर ये तो फ्लावर्स की खुशबू है. तो जो स्मेल होती है जिस बॉडी पार्ट को हम यूज़ करते हैं स्मेल को सेंस करने में, उसको कहते हैं नोज. तो ये क्या, ये नोज है ना, दिस इज नोज, NOSE, नोज. अब हम और आगे बढ़ते हैं. एक भगवान ने ऐसा बॉडी पार्ट बनाया जिससे कि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, है ना. आपको मेरी बात सुनाई दे रही है, आपको इस वीडियो से वॉइस आ रही है. तो आप कहाँ से, कौन से बॉडी पार्ट से सुनाई दे रही है आपको? अगर आप अपने कान बंद कर लेंगे तो आपको आवाज़ आनी धीरे धीरे बंद हो जाएगी, इसका मतलब. और जब आप कान अपना हाथ हटाएंगे तब आपको आवाज़ आने लगेगी, इसका मतलब कि सुनने के लिए हमारा कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ होता है, सुनने के लिए हमारे ईयर्स यूज़ होते हैं. और ईयर्स कितने होते हैं हमारे, टू, वी आर हैविंग टू ईयर्स, EAR, ईयर. ठीक, इसके बाद में हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, ये क्या है, माउथ. माउथ में पूरा ये वाला पूरा एरिया आता है. इस पर क्या है, लिप्स है, टीथ है, टंग है, जो पूरा हम बोलते हैं, जिससे हम जिससे खाते हैं, तो दैट इज़ माउथ. थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो हमारी गर्दन, जहाँ पे मम्मा नेकलेस पहनती हैं या पापा चेन पहनते हैं, तो वो जो गर्दन होती है उसको हम कहते हैं नेक, NECK, नेक. ठीक, इसके बाद में हम आते हैं, अगर हमें बैग हैंग करना है तो बैग हम कैसे टांगते हैं, बैग हम अपने कंधों पे टांगते हैं, और उन कंधों को हम क्या कहते हैं, शोल्डर, SHOULDER. सो दिस इज शोल्डर. शोल्डर का मतलब कंधे. जब हमारी तबीयत खराब होती है डॉक्टर स्टेथोस्कोप कहाँ रखता है और कहाँ बोलता है वो कि लंबी सांस लो, लंबी सांस खींचिए, वो रखता है हमारे चेस्ट पे.
तो ये वाला जो बॉडी पार्ट होता है, ये वाला जो बॉडी का एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड चेस्ट, CHEST, चेस्ट। इसको हम सीना भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं, हम जो अपने सारे काम किस बॉडी पार्ट से करते हैं, अगर हमें कुछ होल्ड करना है, हमें कुछ पकड़ना है, हमें कुछ लिखना है, तो हम किस बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं? सो ऑब्वियस हम हैंड का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, दिस इज हैंड, वी आर हैविंग टू हैंड्स, हमारे कितने हैंड्स होते हैं? दो हैंड्स होते हैं। तो व्हाट इज दिस इज हैंड, HAND, हैंड। अब इस हैंड के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे दिस इज एल्बो, कोहनी, ये जॉइंट होता है, ना यहाँ से हम अपने हाथ को मोड़ सकते हैं। अब हम और कौन से बॉडी पार्ट्स यूज़ करते हैं हैंड में, देखिए दिस इज फिंगर, ये फिंगर होती है जिसमें मम्मा सुंदर सुंदर फिंगर रिंग्स पहनती हैं, थंब, अंगूठा। इसके बाद हम आते हैं, और ये जो पूरा हैंड होता है जिसमें फिंगर होता है, थंब होता है, एल्बो होता है, ये जो पूरा होता है इसको हम क्या कहते हैं, हैंड कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम आर्म्स कहते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा बॉडी पार्ट है, दिस इज अवर स्टमक, ये हमारा पेट है, जहाँ पे हम जो भी खाते हैं वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, पेट में। अब देखते हैं नीचे, ये बॉय जिस बॉडी पार्ट पर खड़ा है वो क्या है, लेग। तो खड़े होने के लिए, चलने के लिए, वॉक करने के लिए, रन करने के लिए हम जिस बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं वो क्या है, लेग, LEG, लेग। लेग का मतलब पैर। अब देखिए ये जो नीचे, ये जो ये वाला पार्ट है बॉडी पार्ट, ये क्या है, फूट, FOOT, फूट। एड़ी, तो ये क्या है, एड़ी। अब इस तरीके से हमने इस बॉय के बॉडी पार्ट्स देखे, हेयर, आईज, आईब्रोज होते हैं आईज के ऊपर, दिस इज हेड, नोज, लिप्स, माउथ, नेक, ईयर, चीक्स होते हैं, ये गाल होते हैं, चेस्ट, हैंड्स, फिंगर, थंब, स्टमक, लेग्स, फूट, ये इस पे नेल्स भी हैं, है ना। तो दिस इज अबाउट ऑल अवर बॉडी पार्ट्स, ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, आउटर बॉडी पार्ट्स, जो कि हमें ऊपर से दिख रहे हैं, और जो अंदर होते हैं वो इनर ऑर्गन्स होते हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें खुद मिरर के सामने खड़े होना है, हमें अपने आप को देखना है, और हमें अपने बॉडी पार्ट्स रिकॉग्नाइज करने हैं फ्रॉम टॉप टू टो, ऊपर से लेके नीचे तक। दीज आर आर हेयर्स, आईज, नोज, लिप्स, टीथ, टंग, और साथ में इनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है। स्पेलिंग्स को लर्न करने के लिए आप अपने पेरेंट्स की थोड़ी सी हेल्प लीजिए, आप इसको रीड करके भी लर्न कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप इसको लिख लिख के भी लर्न कर सकते हैं। सो इट विल बी इन योर सिलेबस, ये आपके कोर्स में होगा, आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। तो आपको क्या करना है, इनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है, साथ में इन बॉडी पार्ट्स को रिकॉग्नाइज भी करना है। जो इसका दूसरा वीडियो आपको दिखेगा या आपको जो मिलेगा, उसमें आपको इनका और फर्दर रिकॉग्नाइजेशन बॉडी पार्ट्स का करवाया जाएगा। तो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड इट। अब आप जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग इट एट होम विद योर पेरेंट्स, विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन मेक अ कॉल, आप एक कॉल कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प से, है ना। तो थैंक यू बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।